हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, आज हम इस पुराने पेन की सहायता से अनस्टिच होल्डर बनाने वाले हैं। मैंने ये एक पेन लिया है जो खाली है, इसकी रिफ़िल खाली हो चुकी है और मैं इसे बनाने के लिए इसकी यूज़ करूँगी। अब ये इसकी जो आपको निब दिखाई दे रही है, मैं इसे कैंची की सहायता से काट लूँगी। मैंने इसे कैंची की सहायता से काट लिया है और अब मेरे पास ये एक सुई है जो टूटी हुई है, ये किसी काम की नहीं है, तो मैं इसे इसमें डाल कर इस तरह और एक कैंडल जलाकर और फिर मैं इसे गर्म करूँगी, जिससे कि यह रिफ़िल और यह निडल दोनों एक दूसरे में सेट हो जाएं और यह निकले ना इसमें से। हमें थोड़ी सी सावधानी इसे चिपकाना है क्योंकि ये हाथ भी जल सकता है, किसी कपड़े की सहायता ले सकते हैं। इस तरह बहुत काफ़ी अच्छे ढंग से इसे लगाना है क्योंकि ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए सुई इस रिफ़िल के अंदर। अब ये बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से सेट हो चुकी है। अब जो हमारा पेन होल्डर था और इसके अंदर मैं इसे डालूँगी, ये मैंने इसके अंदर इसे इस तरह डाल दिया है। देखिए, मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे हम किसी भी कपड़े को बहुत आसानी से अनस्टिच कर सकते हैं, जिसे हमें जैसे कहते हैं बखिया उधेड़ना, तो बहुत आसानी से हम इसे उधेड़ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।